टुडे आई एम गोइंग टू इंट्रोड्यूस अ वेरी इंटरेस्टिंग टूल टू क्रिएट द सिमुलेशन द एनिमेशन एंड सो आई विल गिव यू द बेसिक नॉलेज अबाउट द दिस सिमुलेशन टूल बट बिफोर स्टार्टिंग इट लेट्स नो द बेसिक अबाउट द सिमुलेशन सिमुलेशन हाँ मिस चिंटी, यस आप ना ये सारा नॉर्दर्न स्टेट्स हैं, तो आप थोड़ा सा बाइलिंगुअल या हिंदी में रहेंगे तो ठीक रहेगा। ओके 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 जी, ओके, थैंक तो सिमुलेशन का कि ऐसे हम कैसे क्रिएट करना है उससे पहले मैं आपको बताऊँ सिमुलेशन बेसिकली क्या होता है। सिमुलेशन हम क्या होता है जो हमारा रियल वर्ल्ड होता है उसकी एक मिमिक इसको इमिटेट करते हैं बेसिकली उसकी एक हम अ फेक फेक वर्ल्ड हम क्रिएट करते हैं जिसमें हम जो रियल लाइफ की प्रॉब्लम्स है उनको कवर तो उसके पास करते हैं। मेरे रिश्ते पास तो अंदर में फादर ये हो शिव का वो। पहले मेरी रिक्वेस्ट है अंदर सभी पार्टिसिपेंट से, प्लीज आप अपने आप को म्यूट रखें क्योंकि ओके तो सो सिमुलेशन में बेसिकली हम अपना जो रियल वर्ल्ड होता है उसको फेक वर्ल्ड में कन्वर्ट करती है उसमें हमारी रियल लाइफ की प्रॉब्लम्स होती है उनको हम सिमुलेशन के थ्रू सॉल्व करते हैं और इससे बेसिकली हमारी जो लर्निंग होती है इनहेंस होती है। और आपको पता होगा कि जैसे अभी न्यू एजुकेशन पॉलिसी आई थी तो इसमें एक्सपीरियंशियल अनम्यूट लर्निंग को किया था और बहुत हमारी आवाज बड़ा आ रही है। हाँ एक्सपीरियंशियल लर्निंग को बहुत ज्यादा बढ़ावा दिया गया था तो उसमें सिमुलेशन इज वन ऑफ द बेस्ट थिंग है जिसमें जिससे लर्नर की जो लर्निंग है बहुत ज्यादा इनहेंस होगी वो प्रैक्टिकली कंसेप्ट को समझ पाएगा। तो मैं आपके साथ स्क्रीन शेयर कर रही हूँ। तो दिस इज द टूल फॉर द सिमुलेशन कोई चुप करके बैठो, समू तुम समू इट समू इज परे बैठो परे। रिक्वेस्टेड टू एवरीवन प्लीज मेरी म्यूट कर लीजिए आप सभी से रिक्वेस्ट रिक्वेस्ट है। है सभी पार्टिसिपेंट से, प्लीज आप अपने आप को म्यूट रखिए क्योंकि कई बार ऐसा हो रहा है कि आप डिस्टरबेंस हो रहा है। ये रजनी मैम, प्लीज आप म्यूट रखिए। सभी पार्टिसिपेंट्स प्लीज आप म्यूट रखिए, अदरवाइज वो डिस्टर्ब हो रहा है सेशन में। तो प्लीज रिक्वेस्ट है आपसे सभी लोगों से। ओके ओके यस चिंटी मैम, प्लीज यू कैन कंटिन्यू। सो टुडे आई एम गोइंग टू इंट्रोड्यूस अ वेरी सिंपल टूल टू क्रिएट द सिमुलेशन व्हिच इज द एल्गोडो। सो आई विल टेल यू अबाउट द बेसिक्स ऑफ एल्गोडो हियर। सो बिफोर स्टार्टिंग व्हाट इज बेसिक एल्गोडो। एल्गोडो इज बेसिकली डिजाइंड फॉर द क्रिएटिंग द सिमुलेशंस ऑफ फिजिक्स। इट इज 2D सैंडबॉक्स फ्रीवेयर। फ्रीवेयर मींस इट डज नॉट कॉस्ट इट इज फ्री ऑफ चार्ज। इट डज नॉट कॉस्ट एनी मनी। आपको कोई पैसे देने की जरूरत नहीं है आप फ्रीली से वर्क कर सकते हैं एंड क्रिएट कर सकते हैं 2D सिमुलेशन और एनिमेशन। एंड सैंडबॉक्स मीन्स बेसिकली लाइक किड्स यूज टू प्ले इन अ सैंड और वो मिट्टी से कुछ ना कुछ बनाने की कोशिश करते गलती हैं फिक्स कर रहे हैं तो मुझे बताइए। इन। हाँ हाँ जी ओके तो सैंडबॉक्स में बेसिकली ये होता है कि जैसे मिट्टी से बच्चे कुछ भी बनाने की कोशिश करते हैं इन अ सेम वे जो ये चंडीगढ़ से अक्षय अक्षय सर, जयलक्ष्मी मैडम, मनोरानी मैडम, ब्रेकआउट प्लीज स्कूल आप प्रैक्टिस। मैम अपने आप को बच्चे, म्यूट मैम सॉरी मैम, ये डिस्टरबेंस प्लीज मेरे बंद करा दीजिए, बीच में बोल रहे जो प्लीज। हाँ जी सर प्लीज आप बंद कर दीजिए बार बार बहुत ज्यादा डिस्टरबेंस हो रही है। तो एल्गोडो बेसिकली 2D 2 डायमेंशनल सिमुलेशन क्रिएट करने के लिए बहुत सिंपल टूल है एंड इट इज लाइक अ सैंडबॉक्स। लाइक कह सकते हैं मिट्टी में जैसे कुछ भी बनाने की कोशिश करते हैं इन अ सेम वे जो इसका इंटरफेस है इस टूल का उसमें भी हम कुछ भी बना सकते हैं। जब आप इसको एक्सप्लोर करना स्टार्ट करोगे तो यू विल फाइंड इट इंटरेस्टिंग और फिजिक्स की जो मैकेनिक्स की जितनी भी प्रॉब्लम्स है मोशन की जो प्रॉब्लम्स है सारी उनको रिप्रेजेंट करने के लिए बेस्ट टूल है एंड इट इज अ सिंपल टूल टू ड्रॉ टू डिजाइन एंड एक्सप्लोर द वर्ल्ड ऑफ फिजिक्स। नाउ एल्गोडो कैन बी यूज एज अ एनिमेशन टूल सिमुलेशन टूल इंजीनियरिंग टूल एंड गेमिंग टूल बट हेयर आई विल टेल यू अबाउट हाउ टू क्रिएट द एनिमेशन द सिमुलेशन। फीचर्स ऑफ द एल्गोडो वन ऑफ द बेस्ट फीचर इज ये फ्री टू यूज है
और इसका जो इंटरफेस है वो बहुत ज्यादा यूजर फ्रेंडली है, कोई भी सीख सकता है। और इसमें सिमुलेशन क्रिएट करने के लिए आपको किसी कोडिंग की जरूरत नहीं है। जब आप इसको एक्सप्लोर करना स्टार्ट कर देंगे तो आपको खुद ही मतलब काम करने में बहुत मजा आने लगेगा। एंड प्रैक्टिकल इनेक्टमेंट है ऑफ कॉन्सेप्ट ऑफ फिजिक्स, जो हमारी क्या हो गया थ्योरी और जो एप्लीकेशन है फिजिक्स के कॉन्सेप्ट की, उनके गैप को ब्रिज करेगा। और सिमुलेशन हम फंडामेंटल फिजिक्स के कॉन्सेप्ट पे क्रिएट कर सकते हैं, ये इनहेंस करेगा लर्नर की नॉलेज को। और जो भी हम सिमुलेशन इसमें क्रिएट कर रहे हैं उसका जो हमें रिजल्ट मिलेगा उसका आउटपुट हमें ग्राफिकल फॉर्म में मिलेगा। एंड एल्गोडू को हम एज अ गेमिंग टूल भी यूज कर सकते हैं, एज एकेडमिक पर्पजेस के लिए भी यूज कर सकते हैं। नाउ ऑन विच टेक्नोलॉजी इट इज बेस्ड, इट इज बेस्ड ऑन द एल्गोरिक सिमुलेशन ए बी, सो विच इज बेसिकली डिजाइन फॉर द मल्टी फिजिक्स सिमुलेशन। एंड इट इज कंपेटेबल विद बोथ विंडोज एंड द मैक ऑपरेटिंग सिस्टम। इवन यू कैन डाउनलोड इट फ्रॉम एप स्टोर फॉर योर आईपैड ऑल्सो। एंड इट इज ऑप्टिमाइज फॉर द इंटेल पावर्ड कन्वर्टिंग योर क्लासमेट पीसी एंड इंटरेक्टिव वाइट बोर्ड सिस्टम लाइक स्मार्ट बोर्ड। लाइक आप क्लास में भी स्मार्ट बोर्ड पे भी इसको आराम से यूज कर सकते हैं, बच्चों को असाइनमेंट दे सकते हैं, उनसे एनिमेशन सिमुलेशन बनवा सकते हैं। एंड जो ऑनर्स के कुछ राइट्स है, प्रोप्रिएटरी राइट्स है, जिनको हमें फॉलो करना होगा कि हम जो इनका जो सॉफ्टवेयर है उसको ना तो मॉडिफाई कर सकते हैं, ना रेंट पे दे सकते हैं, ना लीज पे, ना लोन पे, ना ही कोई डेरिवेटिव वर्क उस सॉफ्टवेयर में हम कर सकते हैं। एंड जो इस सॉफ्टवेयर का जो ऑब्जेक्ट हो रहा है, जो ये सॉफ्टवेयर ऐसे डिजाइन कराया गया है कि ये एक सिंगल कंप्यूटर पे ही वर्क कर सकता है। अगर मैंने अपने सिस्टम पे जो सिमुलेशंस बनाई है वो दूसरे सिस्टम पे, वो अकाउंट दूसरे सिस्टम पे नहीं खुलेगा। उसके लिए बस मैं कर सकती हूँ कि जो मैंने जितने भी सिमुलेशन बनाए उनको डाउनलोड करके देन ओपन कर सकते हैं। एंड इसके जो वो है सॉफ्टवेयर, उसमें कोई भी रिवर्स इंजीनियरिंग, कुछ भी सिक्योरिटी में छेड़छाड़ कुछ भी नहीं कर सकते। किसी भी तरीके से सॉफ्टवेयर को मॉडिफाई नहीं कर सकते, ये फॉरबिडन है इसमें। एंड ना ही रिप्रोड्यूस कर सकते हैं, डुप्लीकेट कर सकते हैं इस सॉफ्टवेयर को, और ना ही हम कमर्शियल पर्पजेस के लिए यूज कर सकते हैं। अकेडमिक पर्पजेस के लिए हम यूज कर सकते हैं इसे फ्रीली। तो लेट्स लर्न इट। तो सबसे पहले हमें एल्गोडो को डाउनलोड करना होगा, उसके लिए हमें इसकी वेबसाइट पर जाना होगा, www.elgodoo.com। तो मैं आपके साथ स्क्रीन शेयर कर रही हूँ। तो ये होम पेज है, ये वेबसाइट है एल्गोडो की। आप सभी को दिख पा रही है वेबसाइट एल्गोडो की? तो इसमें आप अलग अलग ऑप्शंस देखेंगे, डाउनलोड के लिए है, इसके बारे में है व्हाट इज इट, इसके लर्न इट, इसके बारे में बेसिक्स, अगर हम यहाँ से भी इसके बारे में बेसिक्स बता सकते। एल्गो बॉक्स है जिसमें आपको डिफरेंट डिफरेंट सिमुलेशन जो और टीचर्स ने बनाई हो वो सब मिलेगा यहाँ पे। एंड इसका जो फॉरम है उसमें जो भी क्वेरीज है वो हम पूछ सकते हैं, या फिर जो प्रीवियस क्वेरीज है उनको भी हम देख सकते हैं। तो जब मैं डाउनलोड पे क्लिक करूँगी तो मेरे को ये ऑप्शन दिखेंगे, डाउनलोड फॉर मैक, डाउनलोड फॉर आईपैड एंड फॉर विंडोज एंड मैक। तो मैं यहाँ से डाउनलोड कर लूँगी। डाउनलोड करने के बाद तो डाउनलोड करने के बाद जब मैं उसको फर्स्ट टाइम खोलूंगी तो मेरी स्क्रीन कुछ इस तरीके की होगी। ये होम स्क्रीन है मेरे एल्गोडो टूल की, और बीच में जो आप बॉक्स देख रहे हो जो पॉपअप हो के आ रखा है, इसमें हम लैंग्वेज को सेटअप कर सकते हैं, एल्गोडो के लुक को चेंज कर सकते हैं, उसका बैकग्राउंड अगर हमें चेंज करना हो। अब एल्गोडो पे हम जब जाएंगे तो हमें उसके बारे में बेसिक्स पता होना चाहिए, तो उसके लिए ट्यूटोरियल दिए हुए हैं कि आप कुछ मिनट्स में ही उसका क्रैश कोर्स कर सकते हैं, वहां से सीख सकते हैं कि हमें कैसे वर्क करना है। लेकिन जैसे जैसे इस पर काम करते जाएंगे आपकी एक्सपर्टीज और ज़्यादा इनहेंस होती जाएगी। एंड लेसन में क्या है कि इसमें 60+ टीचर्स ने इस एल्गोडो को एज अ टीचिंग एड यूज करा है, तो उसमें अलग अलग लेसन क्रिएट करे, तो आप उनको डाउनलोड कर सकते हैं, उनको यूज कर सकते हैं, उनमें चेंजेस कर सकते हैं। ओके
एंड आप यहाँ पे ऊपर, यहाँ पे ये नीचे देखोगे जहाँ पे हमारा टूल बार ऑप्शन है, लेफ्ट कॉर्नर में बॉटम में अगर देखोगे तो टूल बार ऑप्शन है, इसमें हमारा स्केच है, ड्राइंग, इसमें हमारे ड्राइंग टूल्स है, एडिटिंग टूल्स है, और जो फिजिक्स से रिलेटेड टूल्स है वो सारे हैं। तो मैंने जितने भी आइकन्स हैं सबके आगे नाम लिख दिया है कि फर्स्ट वन इज द स्केच टूल। स्केच टूल ये वन ऑफ द मास्टर टूल है जिसमें ये और सारे, बहुत सारे अदर टूल्स का काम करता है, और ऑल अदर टूल्स आर रैप्ड इन दिस सिंगल टूल। नाइफ है, इस अगर हमें किसी ऑब्जेक्ट को कट करना है उसके लिए नाइफ है। सिमुलेशन अगर प्ले हो रही है उसमें किसी ऑब्जेक्ट को ड्रैग करना है उसके लिए ड्रैग का ऑप्शन है। मूव का ऑप्शन है हमारे पास, रोटेट करना हो ऑब्जेक्ट को किसी एंगल से, स्केल रिसाइज और साइज बड़ा या छोटा करना हो उसके लिए स्केल है। अगर मैं कोई इरेजर इरेज करनी है तो इसके लिए इरेजर है। कुछ ड्रॉ करना है उसके लिए ब्रश भी है। बॉक्सेस ड्रॉ करने हैं, सर्कल ड्रॉ करने हैं, उन सभी के लिए मेरे पास डिफरेंट डिफरेंट टूल्स हैं। जब मैं एल्गोडू के टूल्स आऊंगी तो मैं डिटेल में आपको सारे टूल्स के बारे में बताऊंगी। तो लेफ्ट कॉर्नर में ऊपर हमारा ब्राउजर है ना, टॉप मेन्यू। टॉप मेन्यू में बेसिकली हम जो हमारे ऑप्शंस हैं, हम स्क्रीन पर अगर कुछ चेंज करना चाहते हैं वो कर सकते हैं, कि हमें सारे ऑप्शंस दिखने चाहिए या फिर हमें बस सिमुलेशन ही दिखनी चाहिए, वो सब कर सकते हैं। टॉगल कर सकते हैं, फुल स्क्रीन कर सकते हैं, या स्मॉल स्क्रीन कर चाहिए वो कर सकते हैं। ब्राउजर में हम जो हमारा बैकग्राउंड है, हमें सीन, हमें जो कंसेप्ट बताना है, क्रिएट करना है, उसके अकॉर्डिंग हम बैकग्राउंड चेंज कर सकते हैं। तो उसमें न्यू सीन्स में ये आएगा। उसके बाद सेकेंड ऑप्शन है सेव एंड शेयर का। सेव एंड शेयर में जो भी हम सीन्स क्रिएट कर रहे हैं उनको सेव कर सकते हैं, शेयर कर सकते हैं। माई सीन्स में जितने भी मैंने सिमुलेशन क्रिएट करी है वो इस फोल्डर में मेरी सेव हो जाएंगी। एल्गो बॉक्स में मैंने ऑलरेडी बताया कि जितनी भी लोगों ने अपनी सिमुलेशन क्रिएट करी हुई है वो आपको यहाँ पे मिल जाएंगी। कंपोनेंट्स में जैसे अगर हम कोई सिमुलेशन बनाते हैं तो उसमें हमने अगर कोई कार ड्रॉ करी है, या हमने कोई कॉनकेव लेंस या कॉनकेव या कॉन्वेक्स लेंस ड्रॉ करा है, तो उन कंपोनेंट्स को हम यहाँ पे सेव कर सकते हैं, ताकि नेक्स्ट टाइम अगर उससे रिलेटेड कोई कंसेप्ट बनाने की कोशिश करे उससे कोई सिमुलेशन, तो हमें बार बार वो कंपोनेंट ड्रॉ करना ना पड़े। लेसन में एज आई ऑलरेडी टोल्ड यू कि इसमें जितने भी टीचर्स इससे जुड़े हुए हैं उन्होंने अपने लेसन यहाँ पे सेव किए हुए हैं। एंड राइट कॉर्नर में प्रॉपर्टीज दी हुई है कि सपोज कि अगर मैं कोई बॉक्स ड्रॉ करती हूँ उसके मेरे को मटेरियल चेंज करना है, लाइक उसको मेरे को वुड में चेंज करना है, या मेरे को उसको ग्लास में चेंज करना है, या स्टील में चेंज करना है, तो मैं मटेरियल पे जाके वहां से चेंज कर सकती हूँ। अपीयरेंस में मैं उसको अगर उसको कलर चेंज करना है तो अपीयरेंस में कलर चेंज कर सकती हूँ। विजुअलाइजेशन में अगर कोई ऑब्जेक्ट मूव कर रहा है अगर उसमें मेरे को दिखा रहा है कि फोर्स कहाँ पे लग रहा है, तो विजुअलाइजेशन में फोर्स वेलोसिटी जो भी ये सारा विजुअलाइजेशन में आ जाएगा। एंड नीचे जो मिडिल में है ये सिमुलेशन कंट्रोल एंड एनवायरमेंट। बेसिकली अगर हमें सिमुलेशन को प्ले करना है या पॉज करना है, स्पीड सिमुलेशन की बढ़ानी है कम करनी है, वो सारा हमारा इसमें आएगा। या इससे पूरी स्क्रीन को अगर मूव करना है, जूम इन करना है, जूम आउट करना है, या ग्रेविटी अगर हमें चाहिए सिमुलेशन या नहीं चाहिए, या फ्रिक्शन ब्योरेंसी चाहिए, या फिर हमें ग्रिड चाहिए बैकग्राउंड में, ये सब हम यहाँ से चेंज कर सकते हैं। तो हमारे जो ड्राइंग टूल्स है ये है, स्केच है, ब्रश है, पॉलीगॉन है, प्लेन है, बॉक्स है, सर्कल एंड चेन। एंड मैं इनके जो आइकन थे मैं ऑलरेडी आपको दिखा चुकी हूँ। तो ये मैंने कुछ इन ड्राइंग टूल्स का यूज करके कुछ कुछ ड्रॉ करा। अब है रिसाइजिंग एंड द एडिटिंग टूल। तो मूव, अगर मेरे को कोई चीज मूव करनी हो, कोई ऑब्जेक्ट मूव करना हो, उसके लिए मूव का ऑप्शन है। नाइफ से अगर कट करना हो, स्केल में मेरे को छोटा या बड़ा करना हो किसी ऑब्जेक्ट को, रोटेट करना हो किसी एंगल से, क्लोन में बेसिकली अगर मेरे को किसी चीज की कॉपी चाहिए मेरे को, तो मैं क्लोन का यूज करूंगा इसमें। तो एडिटिंग टूल का यूज करके मैंने नाइफ का यूज करके एक बॉक्स था उसको टू पार्ट में डिवाइड करा है। ये अनइवनली कट हुआ है, इवन मैं इसको इवनली भी कर सकती हूँ स्ट्रेट लाइन में शिफ्ट प्रेस करके। एंड जो कुछ टूल्स है जो बेसिकली फिजिक्स सिमुलेशन के लिए है, जो किसी भी सिमुलेशन में फिजिक्स ऐड करेंगे, वो है जैसे लेजर पैन। अगर मैं ऑप्टिक्स का कोई कॉन्सेप्ट अगर करें, मेरे को उसमें लेजर लाइट चाहिए, तो उसमें लेजर पैन का यूज करूंगी। ये स्प्रिंग है, स्प्रिंग मास सिस्टम से रिलेटेड मेरे को कोई चाहिए, स्प्रिंग से रिलेटेड कोई भी कंसेप्ट, स्प्रिंग के लिए ऑप्शन है। ग्रेविटी है, कोई फिक्स
फ्रेंडली है, बैकग्राउंड में फिक्स्ड है, फ्रिक्शन चाहिए मेरे को, उसके लिए ऑप्शन है, एक्सल चाहिए कोई अगर कार मूव कर रही है उसकी मोटर के लिए, उसमें एक्सल अगर मेरे को इंस्टॉल करना है, एक्सल थ्रस्ट अगर किसी चीज़ को फोर्स लगाना हो, तो ये सारे जो बेसिक्स थी मेरे एल्गोडो से रिलेटेड, तो इसका यूज करके मैंने कुछ सिमुलेशन बनाए थे, लाइक फॉलिंग ऑब्जेक्ट फ्रॉम द सेम हाइट, इसका एक मैंने सिमुलेशन बनाया था, उसको एक ग्राफिकल फॉर्म में इसका आउटपुट भी मेरे को मिलता है, ये मैं आपको भी दिखाऊंगी। उसके अलावा मैंने लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी पे कुछ सिमुलेशन बनाए थे, एंड यूनिफॉर्म मोशन पे एक सिमुलेशन बनाया था, एंड ऑल्सो वन ऑफ वन इज फ्रॉम फ्री फॉल, इसके प्रोजेक्टाइल मोशन शो करने के लिए। तो इफ यू स्टार्ट वर्किंग ऑन इट, तो यू कैन क्रिएट अ वेरी गुड सिमुलेशन ऑन डिफरेंट डिफरेंट कॉन्सेप्ट ऑफ फिजिक्स, तो आई शो यू, आई एम शेयरिंग द तो दिस इज एल्गोडो स्क्रीन, तो कोई भी सिमुलेशन बनाने से पहले सबसे पहले मेरे को ये पता होना चाहिए मैं कौन से कंसेप्ट पे बनाने की कोशिश कर रही हूँ, तो उसके लिए मेरे को यहाँ पे अपना बैकग्राउंड चेंज करना होगा। तो उसके लिए सबसे पहले मैं न्यू सीन पे क्लिक करूंगी, तो इसमें मेरे को डिफरेंट डिफरेंट सीन्स के लिए 15 पैलेट्स दिए हुए हैं। सपोज करिए अगर मैं ऑप्टिक्स का कोई कंसेप्ट है मेरे को वो क्रिएट करना है, तो ऑप्टिक्स का कोई अगर कंसेप्ट क्रिएट करना है तो मैं आपको अभी मैंने बताया था कि यहाँ पे कंपोनेंट का ऑप्शन था यहाँ पे इस फोल्डर में, इसमें ऑलरेडी कॉनकेव लेंस, कॉन्वेक्स लेंस, मिरर ये सब हमारा है, तो मैं अगर प्रिज्म लेती हूँ यहाँ से, तो मैंने यहाँ पे प्रिज्म लिया है, फिर अगर मैं डिस्पर्जन ऑफ लाइट का कोई कंसेप्ट अगर से शो करती हूँ, तो उसके लिए मैंने लेजर लाइट ली यहाँ से नीचे, तो अब मेरे को इस लाइट का कलर चेंज करना है वाइट लाइट में, तो आप देख सकते हैं व्हाइट लाइट हमारी 7 डिफरेंट कलर्स में स्प्लिट हो गई है। सिमिलरली अगर मेरे को हम इसको पैन को मूव करते हैं, अगर मैं यहाँ पे कॉनकेव लेंस लेती हूँ, कॉनकेव लेंस लिया, उसके बाद फिर मेरे को लाइट रेस चाहिए, तो यहाँ पे लेजर एरे है जिसमें हमारी लाइट बनी हुई है, तो सबसे पहले मैं लेजर लाइट में अगर ओके, तो अब मैंने लिया यहाँ पे कॉनकेव लेंस, तो आप देख सकते हैं कि ये लाइट को डाइवर्ट कर रहा है, मैं इसका साइज बढ़ा भी सकती हूँ, अब मैं कॉन्वेक्स लेंस हूँ ये कन्वर्ज कर देगा, इसका भी साइज में इंक्रीज और डिक्रीज, तो ऐसे मैं डिफरेंट डिफरेंट कॉन्सेप्ट से क्रिएट कर सकती हूँ, तो मैं आपको फिर से दिखाती हूँ, मैं आपको अब एक फ्लूइड से रिलेटेड कंसेप्ट, उसके लिए सबसे पहले मेरे को एक कंटेनर ड्रॉ करना होगा, ये मैंने एक बॉक्स ड्रॉ कर दिया है बॉक्स वाले टूल से, हमें इसको इस बॉक्स के अंदर वाटर चाहिए, तो मैं एक इससे छोटे साइज का एक बॉक्स ड्रॉ करूंगी,
उसको सेलेक्ट करूंगी, देन राइट क्लिक करूंगी। राइट क्लिक करने पे यहाँ पे हमारे कंबाइंड शेप्स आता है, उसमें सब्ट्रैक्ट पे क्लिक करूंगी। सब्ट्रैक्ट पे क्लिक करा तो इसने इतना पार्ट वो नीचे वाले बॉक्स से कट कर दिया, और जो ऊपर वाला बॉक्स है उसको मैं फिर से सेलेक्ट करूंगी, देन लिक्विफाई पे क्लिक करूंगी। राइट क्लिक करने पे देखिए वाटर में चेंज हो जाएगा। तो अब मैं 3 बॉल्स डिफरेंट डिफरेंट मटेरियल्स की ड्रॉ करती हूँ। क्लोन करा, सेलेक्ट करा, राइट क्लिक करा, देन क्लोन पे क्लिक करा। टू एंड वन। तो मैं एक कॉन्सेप्ट ले रही हूँ फ्लोट एंड सिंक का। तो आप में से मेरे को कोई बता सकता है कि कौन सी बॉल मेरी फ्लोट करेगी और कौन सी सिंक करेगी? कि कौन सी मेरी फ्लोट करेगी बॉल एंड कौन सी मेरी सिंक करेगी? तो मैं सिमुलेशन तभी प्ले करूंगी। आप मेरे को मैसेज भी कर सकते हैं चैट बॉक्स में, या बता भी सकते हैं। यस सर। ओके। यस ब्राउन कलर को सिंक करा दी, सर। जो रेड इनसाइड में इसको सिंक करा दी। हाँ जी, क्योंकि वो वुड की बनी हुई है और जो एक है स्टील की बनी हुई है, एक मेरी स्टोन की है। तो मैं जब सिमुलेशन प्ले करूंगी तो बेसिकली इट इज बिकॉज ऑफ डेंसिटी। जिसकी डेंसिटी वाटर से ज्यादा है वो मेरी सिंक करेगी, जिसकी कम है वो फ्लोट करेगी। तो अगर मैं इसको अंडू कर देती हूँ और सिमुलेशन स्पीड को अगर मैं थोड़ा स्लो कर, तो आप देख सकते हैं कि जो वुड से बनी हुई बॉल है वो मेरी फ्लोट कर रही है, और स्टील एंड स्टोन की बनी है क्योंकि मुझे डेंसिटी वाटर से ज्यादा है तो हमें सिंक कर रही है। तो सिमिलरली एक यूनिफॉर्म मैं फिर से न्यू सीन पे, अगर मेरे को इसको सीन को सेव करना है, मैंने यहाँ पे क्रिएट करा है, मेरे को इसको सेव करना है, तो यहाँ पे मैंने न्यू सीन से नेक्स्ट मैंने बताया था कि यहाँ पे सेव एंड शेयर सीन का ऑप्शन होता है। सेव पे क्लिक करूंगी, इसका टाइटल दूंगी फ्लोट एंड सिंक, एंड देन सेव। एंड एल्गोडो पे आप अकाउंट भी क्रिएट कर सकते हैं, लेकिन इसकी वेबसाइट पे जाकर आपको क्रिएट करना होगा, लेकिन जो एक्टिवेशन के लिए वो 2 या 3 दिन का टाइम लेते हैं, उसके बाद ही आपका अकाउंट बनता है। आप जितने भी सिमुलेशन आप बना रहे हो फिर आप उसकी वेबसाइट पे जाकर वहां पे अपने अपलोड कर सकते हो और लोगों के साथ शेयर कर सकते हो। तो अब फिर से मैं एक न्यू सीन पे जाऊंगी। तो अगर मेरे को एक कंसेप्ट उससे सिंपल पेंडुलम से रिलेटेड बनाना है, तो उसके लिए सबसे पहले मैं एक बॉब मैंने ड्रॉ करा, उसका मटेरियल चेंज करा स्टील, देन अब मेरे इसके लिए रोप चाहिए। मैं इसके सेंटर से सबसे पहले इसमें 2 ऑप्शन दिए हुए, जब मैंने रोप पे क्लिक करा तो 2 ऑप्शन आए मेरे पास, चेन एंड रोप। जब मैं रोप पे क्लिक करूंगी तो रोप सेलेक्ट हो जाएगी, तो फिर बॉब के सेंटर से लेकर तो सिमुलेशन प्ले करेंगे तो ये से अटैच हो गई है। अभी सिमुलेशन अगर प्ले हो रही है उसमें मैं अगर ड्रैग करूंगी, ड्रैग टूल से तो ऑसिलेट करना स्टार्ट कर दी। जैसे सिमुलेशन प्ले करने के बाद आप देख सकते हैं कि पीछे क्लाउड्स आ रहे हैं, और मेरे को अगर ये बैकग्राउंड में क्लाउड्स नहीं चाहिए तो मैं बैकग्राउंड में राइट क्लिक करूंगी, देन नीचे आपको दिखेंगे ड्रॉ क्लाउड्स, उस चेक बॉक्स को क्लिक करूंगी, हट जाएगा वो, और तो मेरे जो
बैकग्राउंड में क्लाउड सारे वो भी नहीं दिखेंगे। अब मेरे को जो ये सिमुलेशन है इसका मतलब ग्राफिकल आउटपुट चाहिए, तो इसके जो मोशन है, जो ये मूवमेंट और इसकी जो मेरे को पोटेंशियल है, डिजाइन कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी बेसिकली कॉन्सेप्ट दिखना है, तो मैं इस बॉब को सेलेक्ट करूंगी, देन राइट क्लिक, देन शो प्लॉट। तो मेरे को एक्स एक्सिस पे क्या चाहिए, वाई एक्सिस पे क्या चाहिए, ये सब मैं लिखूँ। तो मैं वाई एक्सिस पे अगर मैं सेलेक्ट करती हूँ एनर्जी, पोटेंशियल नेगेटिव एनर्जी, तो ग्राफिकली मेरे को इसका आउटपुट मिल जाएगी। इसके अलावा अगर मेरे को मोशन, कार का मोशन देखना है कि यूनिफॉर्म है या नॉन यूनिफॉर्म है, उससे रिलेटेड या रोटेशनल मोशन से रिलेटेड हम बहुत सारे कंसेप्ट है जो हम यहाँ पे कर सकते हैं। तो सबसे पहले मैं आपको कार का दिखाती हूँ, हम कार कैसे फ्लो कर सकते हैं, वो कैसे मूव करना स्टार्ट करेगी, उसका जो मोशन है वो उसको कैसे देख सकते हैं। तो उसके लिए सबसे पहले मैंने एक बॉक्स ड्रॉ करा है, देन दो सर्कल, और आप लोग जब इस पे काम करना शुरू करें तो आप जो ग्राफिक्स है और ज्यादा इनहेंस हो सकती है और अच्छे से ड्रॉ कर सकते हैं। तो इसमें बेसिक प्रैक्टिस की सबसे ज्यादा जरूरत होगी। तो मैंने मोटर इसमें एक्सेल इंसर्ट कर दिया है, तो एक्सेल को सेलेक्ट करके जब मैं राइट क्लिक करूंगी तो मेरे को मोटर को सेलेक्ट करना होगा। दूसरे में भी सेम मोटर को मैं सेलेक्ट करूंगी, और आप जैसे यहाँ पे फॉरवर्ड की, बैक की, ब्रेक की, ये वाली कीज भी आप सेलेक्ट कर सकते हैं। लाइक आप कोई भी की जो भी आप फॉरवर्ड की तरह यूज करना चाहिए, लाइक पेज अप वाली या पेज डाउन वाली, कोई भी आप कर सकते हैं। मैं यहाँ पे कोई भी सेलेक्ट नहीं कर रही हूँ। तो अब मैं सिमुलेशन को प्ले कर रहा हूँ। अब जो ये सिमुलेशन है, जो जो मेरी मैंने जो कार ड्रॉ करी है, ये फ्रेम से बाहर चली गई है। इसको मेरे को देखने के लिए बार बार इसको फॉलो करना होगा, तो फिर मैं पैन को बार बार ऐसे मूव करूंगी, लेकिन इससे काफी प्रॉब्लम होगी। तो हम क्या कर सकते हैं, मेरी सिमुलेशन प्ले स्टार्ट हुई, तो इस कार को मैं सेलेक्ट करूंगी, फिर से राइट क्लिक पे जाऊंगी, फिर सेलेक्शन में फॉलो। फॉलो में बेसिकली क्या होगा कि ये कार जिस जहां जहां तक जाएगी वो वाला फ्रेम हमें सामने स्क्रीन पे दिखता रहेगा। अब जैसे मैं प्ले करती हूँ, तो आप देख सकते हैं कि अब फ्रेम से बाहर नहीं जा रही है। और मैं ये कर सकती हूँ कि अगर मैं इस पैन को यहाँ पे मूव करूँ और मैं एक ट्री ड्रॉ कर देती हूँ, इसको क्या करता है, इसको बैकग्राउंड में उसको फिक्स करना है, ग्लू टू बैकग्राउंड करूंगी मैं रफली एक ऐसी ट्री ड्रॉ कर दी। क्योंकि बैकग्राउंड में आपको बिल्कुल प्लेन दिख रहा है ताकि आपको पता चले कि हाँ कार एक्चुअल में मूव कर रही है फ्रेम के साथ ही। तो इसकी मैं अगर अपीयरेंस चेंज करना चाहती हूँ, कलर में ग्रीन कर दी,
फिर से मैंने सिमुलेशन प्ले कर दी है, जो मेरी कार है आप देख सकते हैं मूव कर रही है, वो ट्री के पास तक आ गई है, वहां से टकरा गई है, रुक गई। तो अब मेरे को जो ये इसका जो मोशन है, अगर मेरे को इसको ग्राफिकल, मेरे को ग्राफिकल फॉर्म में देखना है, इसको रिप्रेजेंटेशन ग्राफिकली देखना है, तो फिर से मैं कार को सेलेक्ट करूंगी, राइट क्लिक करूंगी, तो प्लॉट पे जाऊंगी, देन एक्सेसिस टाइम, फिर मेरा पोजीशन है, तो क्योंकि अभी जो मोशन है मेरा यूनिफॉर्म मोशन है। तो आप देख सकते हैं ग्राफ मेरा स्ट्रेट लाइन ग्राफ है। वही अगर मैं यहाँ पे कुछ भी ड्रॉ कर दूँ, ये पत्थर वगैरह ड्रॉ कर दूँ, तो उससे मेरे ग्राफ में चेंज आ जाएगा। तो चेंजेस ग्राफ में शो हो रहा है। तो ऐसे हम यूनिफॉर्म मतलब मोशन से रिलेटेड जो बहुत सारे कंसेप्ट हैं उन पे ऐसे हम सिमुलेशन क्रिएट कर सकते हैं, अलग उनकी वैल्यूज हम देख सकते हैं रेफरेंस में। तो अब मैं फिर से न्यू सीन सेलेक्ट करूंगी। उससे पहले जैसे अगर मैंने ये कार मैंने ये बनाई है, अब मेरे को इसको अगर सेव करना है, तो मैं इनको इसको कंसेप्ट में कंपोनेंट्स में जाके यहाँ पे सेव कर सकती हूँ। यहाँ पे कंपोनेंट्स में इसको ड्रैग करना होगा, यहाँ पे सेव हो जाएगी। उसके अलावा अब अगर मैं एक बॉक्स ड्रॉ करती हूँ, अब मेरे को इससे इस बॉक्स पे फोर्स अप्लाई करना है, तो फोर्स के लिए जो मैंने अभी बताया था, जो हमारे नीचे दिए गए टूल्स है काफी, ये हमारे जो फिजिक्स से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन है उन फिजिक्स एलिमेंट्स ऐड करने के लिए, फिर में जो मेरे एक थ्रस्टर है, थ्रस्टर टूल, तो अगर मैं इसको इस पे अप्लाई करती हूँ, इस बॉक्स पे अप्लाई करती हूँ, तो ये अभी नहीं स्टार्ट कर रहा, क्योंकि जो फोर्स इस पे लग रहा है वो काफी कम है। तो मैं अगर इसकी फोर्स की वैल्यू अगर मैं चेंज कर दूँ, लाइक 50 न्यूटन, तो आप देख सकते हैं कि ये मूव करने लगा है। तो ऐसे ही मैंने कुछ सिमुलेशंस और भी क्रिएट करे हैं, मैं उनको आपको दिखाती हूँ। एक सिमुलेशन है मैंने करी है इससे इनर्शिया, उसके अलावा कुछ सिमुलेशन और हैं, ऑफ लिक्विड प्रेशर, तो लिक्विड प्रेशर बेसिकली डिपेंड करता है हाइट पे, लिक्विड कौन सी हाइट पे, नॉट द वॉल्यूम ऑफ द वाटर इन द कंटेंट। तो ये मैंने सिमुलेशन थोड़ा रफली बनाया है, बट कंसेप्चुअली ये ठीक है।
दिखी मैम, सिग्नेचर नहीं दिखा। हाँ जी सर, एक मिनट। हाँ जी सर, प्लीज एक बार आप फिर से बोलिएगा, मेरे को समझ नहीं आया क्या बोल। इसके अलावा दूसरा सिमुलेशन दिखा दीजिए, वो नहीं दिखा, दूसरा वाला, सेकंड वाला। सेकंड वाला, ओके। आपको अभी कौन सा दिख रहा था? ये तो फोर्स वाला दिखा था फर्स्ट टाइम, फिर उसका दूसरा दिखाई नहीं। अच्छा ओके, मैं आपको दिखाती हूँ। आपको लिक्विड प्रेशर से रिलेटेड नहीं दिखा? हाँ जी जी नहीं, सर, मैं फिर से दिखाती हूँ। सर अभी दिख रहा है आपको? सर जी। ये मैंने एल्गोडू का यूज करके ही ये सिंपल सी सिमुलेशन बनाई थी। उसके अलावा एक इनर्शिया की है, मैं आपको वो भी दिखाती हूँ। एक इनर्शिया की मैंने बनाई थी। इसके अलावा ये सिंपल पेंडुलम थी जो मैं आपको अभी ऑलरेडी बता चुकी हूँ कैसे क्रिएट करनी है। तो इसमें अगर मैं फ्रिक्शन, एयर फ्रिक्शन को कम भी कर सकती हूँ, ये सारी सेटिंग्स कर सकती हूँ। उसके अलावा एक है फ्री फॉल, जैसे अगर मेरे को रोटेशनल मोशन को भी दिखाना है तो उसके लिए मैंने एक सन एंड अर्थ वाली बनाई है। ये काफी सिंपल है, इसको और मॉडिफिकेशन कर सकते हैं इसमें अगर करना चाहिए। तो ऐसे मैंने काफी सारी सिमुलेशंस बनाई थी। इसके अलावा कुछ मैं ऑलरेडी जो मैं क्रिएटर है मेरे इसमें आपको दिखा देती हूँ। जैसे ये है सर, तो आपको स्क्रीन दिख रही है मेरी, आप सभी को? हाँ जी, दिख ली मैम। जी। तो इसमें अगर मेरे दो ऑब्जेक्ट डिफरेंट मासेस थे, अगर फॉल होते फ्रॉम द सेम हाइट, तो इसमें जो उनका ग्राफ होगा कि वो जो पहुंचेंगे ग्रेविटी की वजह सेम टाइम पे ही पहुंचेंगे। तो आप देख सकते हैं दोनों का ग्राफ सेम है। उसके बाद वो जो बाउंस बैक करेंगे उसमें ग्राफ में चेंज आएगा, क्योंकि बेसिकली उनके मासेस की वजह से होगा। उसके अलावा एक मैंने एक हम ये स्प्रिंग वाला भी कर सकते हैं। ये काफी छोटे सिमुलेशन है, उसको कंप्रेस करते हैं तो वो अपने मेन पोजीशन पे फिर से वापस है, वो स्क्रैच करते हैं। तो ऐसे आप अलग अलग तरीके, अलग अलग कंसेप्ट से सिमुलेशन क्रिएट कर सकते हैं। इसमें एक हमारा हर वक्त गियर का ऑप्शन भी है। फिर अगर मैं फिर से अगर मैंने वाटर टैंक बनाया, इसको सेलेक्ट करा, इसको सब्ट्रैक्ट करा, इस बॉक्स को देन लिक्विफाई करा, फिर से प्ले करा सिमुलेशन, पानी इसमें आ गया। अगर इसमें गियर्स लगाती, लाइक जैसे गियर पंप में गियर्स होते, तो वो भी ड्रॉ कर सकती हूँ। इसकी एक और कॉपी बना दी। देन इसका सेलेक्टर जो इसका एक्सल है, इसकी मोटर मैंने ऑन, इसको मैं रिवर्स कर दूंगी, एक की तरफ से सेम जो पहले थी वही रहेगी।
तो इसका यूज करके कि हम डिफरेंट डिफरेंट कॉन्सेप्ट्स से फिजिक्स से रिलेटेड डिफरेंट कॉन्सेप्ट्स से हम सिमुलेशंस बना सकते हैं। न्यू सीन चाहिए। और उसके अलावा आप जितना एक्सप्लोर करेंगे आप उतना ही आपको मजा आएगा इसमें। तो यस अगर सो सर तो आपको अभी इससे रिलेटेड अभी कोई भी डाउट है तो आप पूछ सकते हैं। एक्सक्यूज मैम, ये लेजर लाइट वाला जो आपने करा था जी, हाँ जी लेंस हाँ जी वाला, वो दिखाइए। एक्चुअली मैंने जब उनको सिलेक्ट किया जाता है वो एक साथ आ जाते हैं, जैसे दोनों को सिलेक्ट किया तो दूर दूर कैसे रखेंगे उनको, और फिर जब हाँ प्ले जी करते हैं तो नीचे गिर जाते हैं अच्छा हाँ ग्रेविटी सर से। मैं हाँ हाँ मैं जी बताती हूँ। जैसे अगर ऑप्टिक्स का मैं फिर से लेती हूँ, कंपोनेंट्स पे क्लिक करा मैंने सबसे पहले लेजर एरे, तो इस वाले सिमुलेशन में देखिए यहाँ पे हमारे पास मूव टूल का ऑप्शन है, हम उससे सेलेक्ट करेंगे ये पूरा इसका और इससे इसे इसको आगे पीछे कर सकते हैं मूव टूल से। अगर मैं प्ले करती हूँ तो गिर जाएगी, तो उसके लिए क्या ऑप्शन है, मैंने सेलेक्ट करा सारी लेजर लाइट देन राइट क्लिक करा, उसके बाद नीचे जाएंगे तो हमारे पास ज्योमेट्री एक्शंस का ऑप्शन है, उसमें क्या करते हैं ग्लू टू बैकग्राउंड, क्योंकि ऑप्टिक्स के इस कॉन्सेप्ट में हमें कुछ ऐसे प्ले तो नहीं करना, बस हमें लेंस आगे पीछे रख के देखना है कि वो कन्वर्ट कर रहा है डाइवर्ज कर रहा है, तो सब सब चीजें देखने से इसलिए मैं इसको ग्लू टू बैकग्राउंड कर दूंगी, बैकग्राउंड में फिक्स कर दूंगी सब्जेक्ट को। क्लिक कर दिया, अब मैंने अगर फिर से सिमुलेशन प्ले करी तो ये नहीं गिरा, ये फिक्स हो गया है इसमें। अब मेरे को यहाँ पे कॉन्वेक्स लेंस चाहिए, कॉन्केव लेंस चाहिए, तो मैंने एक बार क्लिक करा यहाँ पे आ गया, फिर मूव टूल से मैं इसको आगे पीछे मूव कर सकती हूँ। मेरे को अगर इसका साइज बढ़ाना है तो यहाँ पे हमारे पास स्केल टूल है, तो अब मेरे को यहाँ पे कॉन्वेक्स कॉन्वेक्स लेंस चाहिए, तो कॉन्वेक्स लेंस पे एक बार क्लिक करा मैंने, आप देख सकते हैं डाइवर्ज कर रहे हैं। अब यहाँ पे प्लेन टूल का ऑप्शन मिरर का ऑप्शन भी है, रिफ्लेक्ट कर रहे हैं। चलो मिरर लगा के पास नहीं होने दे रहे हैं। तो सर आपको भी आया समझ में? ठीक हाँ जी मैम, थैंक यू। इसमें प्ले बटन तो नहीं दबाएंगे? प्ले अगर दबाएंगे तो कुछ वो तो नहीं नहीं होगा सर, क्योंकि इसमें? हमें प्ले की जरूरत भी नहीं है हाँ, इसमें। वो प्ले दबाएंगे तो हाँ जी ये भी नीचे आ जाएगा, मेरा हाँ नीचे वो गिर जाएगा, ये सब हाँ जैसे अगर मैं प्ले करती हूँ तो ये सब नीचे ये गिरते दोनों हैं। नीचे गिर जाएंगे। थैंक यू। तो इस वाले में मेरे को प्ले की जरूरत नहीं है, मैं सिंपल ये भी कर सकती हूँ कि मैं अपनी स्क्रीन अगर मैंने क्लास में स्टूडेंट्स को दिखाया तो इसकी स्क्रीन रिकॉर्डिंग कर सकती हूँ। तो उसके अलावा आप जैसे किसी कोई डाउट हो तो आप पूछ सकते हैं। तो मैं आपके साथ मैंने इसी के बेसिक बहुत छोटी सी क्विज बनाई है बहुत सिंपल, तो मैं आपके साथ वो कोर्स शेयर करती हूँ, प्लीज आप सभी उसको अटेम्प्ट करने की कोशिश कीजिए। तो आपको स्क्रीन पे joinmyquiz.com दिख रहा है या आपको विजिबल है स्क्रीन पे? हाँ जी मैम, दिख रहा है। जी सर, तो आप कुछ नहीं करना, अपना ब्राउजर ओपन करना है, उसमें ये URL टाइप करना है joinmyquiz.com, उसको टाइप करने के बाद फिर आपको एक कोड एंटर करना होगा, वो है 05387। मैं इसको आपको चैट बॉक्स में भी शेयर कर देती हूँ।
इसको इसका लिंक। ये मोबाइल से भी हो जाएगा मैम पेज? हाँ जी, मोबाइल से भेजेगा। मैं आपको QR कोड भी शो कर रही हूँ, इसको भी आप स्कैन करके डायरेक्टली इसमें ज्वाइन कर सकते हैं। तो मैंने फिर स्टार्ट कर दिया, आप जल्दी से ज्वाइन कर दीजिए, ऐसे आप अटेम्प्ट कर दीजिए। चल तो आई होप सभी ने क्विज कर ली है, तो मैं इसको एंड करने जा रही हूँ। तो ये बहुत सिंपल सी क्विज थी, तो आप इसमें लीडर बोर्ड देख सकते हैं कौन फर्स्ट पे है कौन सेकंड पे। तो आप फिर से हम एल्गोडो पे वापस चलते हैं। तो उसके अलावा मैं एल्गोडो में और कुछ चीजें हैं वो बता देती हूँ, कि जो मेरा अगर ऊपर टॉप मेन्यू है, अगर मेरे को अगर मैं सेटिंग्स पे जाऊँ तो इसमें मेरे ऑप्शंस होंगे इंटरफेस के लिए कि हम क्या यूज़ कर रहे हैं। जैसे अगर मैं यहाँ पे माउस का यूज़ कर रही हूँ तो ड्रॉ कर्सर पे क्लिक करूँगी, अगर मैं यहाँ पे टैब का यूज़ कर रही हूँ तो हम टच स्क्रीन यहाँ पे हम सेलेक्ट कर सकते हैं। उसके बाद यहाँ पे मेन्यू स्केल है, अगर तो मेन्यू स्केल को जूम इन आप देख सकते हो कितना बड़ा हो गया है, छोटा करना है। फिर स्लाइडर से हम इसको इंक्रीज और डिक्रीज कर सकते हैं।
एंड जूम स्पीड को भी हम यहाँ पे वेरी कर सकते हैं। उसके बाद अगर हमें लैंग्वेज सेलेक्ट करना है, यहाँ पे हम इंग्लिश सेलेक्ट कर सकते हैं। स्क्रीन पे अगर हमें जो हमारा बैकग्राउंड दिया हुआ है, जो हमारे ये पैलेट है, अगर इसकी स्क्रीन को मेरे को कलर को थोड़ा चेंज करना है, और जो हमारे टूल बार ऑप्शन है इन इनके कलर को चेंज करना है, हम यहाँ हेलो से कर सकते हैं। मैम, हाँ आवाज जी, नहीं सुनाई दे रही आपकी। ओके, मैं फिर से बोलती हूँ, फिर से मैं आप सभी को बताती हूँ कि हमारा अगर हम राइट कॉर्नर में देखेंगे तो यहाँ पे हमारे डिफरेंट डिफरेंट ऑप्शन दिए। पहला, अगर मैं फाइल पे क्लिक करूंगी तो यहाँ से फिर हम न्यू सीन्स ले सकते हैं, सेव सीन्स कर सकते हैं, या जो भी सीन हमने ऑलरेडी सेव किए हुए उनको लोड कर सकते हैं, एंड और स्क्रीन को फुल करना, ये सारे ऑप्शन यहाँ पे गिवन है। लाइसेंस चाहिए मेरे को पूरा एग्जिट करना है, गो डू, तो हम यहाँ से कर सकते हैं पूरा। उसके बाद सेकंड ऑप्शन है मेरा सेटिंग्स का, इसमें हम इंटरफेस को चेंज कर सकते हैं। जैसे अभी मैं सिस्टम को यूज कर रही हूँ, तो मैं अभी टच स्क्रीन यूज नहीं कर रही हूँ, तो इसलिए अभी मेरे को ड्रॉ कर्सर, ये टूल कर्सर, ये सब मेरे को चाहिए। लेकिन अगर मैं टैब पे अगर काम कर रही हूँ, तो मैं टच स्क्रीन को सेलेक्ट कर सकती हूँ। यहाँ पे मेन्यू स्केल में जाके मैं जो मेरे मेन्यू टूल बार ऑप्शन दिए हुए, सिमुलेशन कंट्रोल या प्रॉपर्टी से रिलेटेड दिया हुआ है, उसको इंक्रीज और डिक्रीज कर सकते हैं यहाँ पे जाके। लैंग्वेज में जाके मैं लैंग्वेज सेलेक्ट कर सकती हूँ, जैसे मैं हमारे इंग्लिश है तो हम इंग्लिश सेलेक्ट कर सकते हैं। स्किन में जो मेरे टूल ऑप्शंस दिए हुए हैं, टूल बार ऑप्शंस है, जो भी हमें सिमुलेशन कंट्रोल, इनके जो बैकग्राउंड है उनको चेंज करना है, तो हम यहाँ से हम चेंज कर सकते हैं। उसके अलावा ये, उसके बाद ये सेकंड ऑप्शन है हेलो टॉगल मैम, प्ले मोड। हाँ जी, हेलो मैम, हाँ जी, हाँ जी, क्या आपको सुनाई दे रहा है? तो इसके अलावा टॉगल प्ले मोड में बेसिकली क्या होगा कि जो मेरी सिमुलेशन है उसके लिए बस मेरे पास सिमुलेशन कंट्रोल का ऑप्शन होगा कि मेरे को प्ले करनी है या पॉज करनी है सिमुलेशन, उसका ऑप्शन होगा। उसके अलावा जितने भी मेरे टूल बार के ऑप्शन है, प्रॉपर्टीज का ऑप्शन है, वो स्क्रीन से सारे हट जाएंगे। इसके अलावा इसमें है हाइड विंडोज में, बेसिकली कि मेरे को सीन बार चाहिए या मेरे को प्रॉपर्टीज ही चाहिए स्क्रीन पे, या मेरे को बस सिमुलेशन वाला ऑप्शन ही चाहिए, या मेरे को टूल ऑप्शन ही चाहिए, तो ये हम यहाँ से पूरा सेलेक्ट कर सकते हैं। अब लास्ट वन इज द हेल्प। हेल्प में जितने भी जो टूल है, मेरे को अगर उनके बारे में बेसिक्स अगर मेरे को जानना है कि वो कैसे वर्क करेंगे, तो उसका सारा क्रैश कोर्स यहाँ पे हेलो दिया हुआ मैम, है। हेलो मैम, हाँ जी मैम, मैम आपकी आवाज नहीं आ मैम रही, सुन नहीं पा रही हूँ मैं आपको। आप में से किसी और को भी प्रॉब्लम हो रही है सुनने में? मैम आवाज क्लियर है आपकी, सुन रही हूँ, तो मैम शायद प्रॉब्लम आप, आपकी साइड शायद नेटवर्क में कुछ प्रॉब्लम है। तो अब जितने भी मेरे को जो मैंने टूल बार के ऑप्शन बताए, जितने भी ऑप्शन है उनके बारे में कि मेरे को कैसे कुछ भी मतलब सीखना है, मेरे को उससे रिलेटेड क्रैश कोर्स करना है, तो मैं कैसे करूँ, तो उसके लिए यहाँ पे अगर मैं हेल्प पे जाऊँगी, हेल्प पे क्लिक करा, तो यहाँ पे मेरे को जितने भी यहाँ पे ऑप्शन है, जितने टूल्स दिए, सबके बारे में डिटेल में ट्यूटोरियल्स मेरे को मिल जाएगा। जैसे फर्स्ट मेरा प्ले प्ले द सिमुलेशन, पॉज द सिमुलेशन, इसका ऑप्शन है। सेकंड में कि सबसे पहले मेरे को कोई भी सिमुलेशन करने से पहले मेरे को सीन को क्रिएट करना होगा, तो यहाँ से न्यू सीन हम ले सकते हैं। उसके बाद पैलेट, हम डिफरेंट डिफरेंट पैलेट चूज कर सकते हैं। उसके बाद क्रिएट कर सकते हैं सर्कल, ये बहुत बेसिक से स्टार्ट कर रहे हैं कि अगर कोई भी बिगिनर होगा तो सबसे पहले वो क्या क्या कर सकते हैं, उसके लिए उसको सबसे पहले बैकग्राउंड अपना सीन क्रिएट करने के लिए उसको सीन चाहिए, वो चूज करेंगे। उसके बाद सर्कल या कोई भी ऑब्जेक्ट, जो भी आप ऑब्जेक्ट लेना चाहिए वो कर सकते हैं। उसके बाद फिर से सिमुलेशन को प्ले करेंगे,
तो मैं आपको साथ ही साथ दिखाती हूँ। जैसे अगर मैंने यहाँ पे न्यू सीन पे गई, मैंने डिफॉल्ट वाला लिया, देन सर्कल लिया, मैंने अगर सर्कल ड्रॉ करा, उसके बाद सिमुलेशन को प्ले करा, फिर गिर जाएगा। इसको अगर मेरे को फिक्स करना है बैकग्राउंड में, इसको सेलेक्ट सॉरी टू करूंगी। इंटरप्शन मिस चिंटी। हाँ जी, हाँ, बस एक ये अनाउंसमेंट था कि ये ब्रेकआउट रूम 10 मिनट्स में क्लोज हो जाएगा, तो बस ये मैं आपको इन्फॉर्म करना चाह रही थी। ओके, थैंक यू। ओके, तो सर्कल ड्रॉ कर देंगे। अब जैसे जैसे इसमें ऑप्शंस बताए हुए, वैसे वैसे अगर मैं प्रोसीड करती हूँ कि फर्स्ट मैंने सर्कल ड्रॉ करा, अब मेरे को इसकी कॉपी चाहिए, तो मैंने इसको सेलेक्ट करा, देन क्लोन पे क्लिक करा, तो इसकी कॉपी मिली। तो इसमें बेसिकली जो मैं आपको पहले ही बता चुकी हूँ कि मेरे को कैसे कार ड्रॉ करनी है, वो इसमें बता रहे हैं। मैं फिर से आपको बता दूँ, फिर एक बॉक्स लिया मैंने, उसके बाद मूव टूल से मैं इसको मूव कर सकती हूँ। देन मेरे को एक्सेल इसमें डालना होगा, देन मैं मोटर इसमें सेलेक्ट कर लूंगी दोनों में, ताकि मूव करने लगे। तो ये सही से अभी ड्रॉ नहीं हुआ है, मैं आपको पहले बता चुकी कैसे ड्रॉ करना है। ये बॉक्स का साइज थोड़ा छोटा हो गया है। तो ऐसे यहाँ पे हमारे सारे टूल्स के बारे में दिया हुआ है। ड्रैग टूल, अगर कोई सिमुलेशन चलती हुई सिमुलेशन, अगर मेरे को कोई कुछ ड्रैग करना है, कोई फोर्स अप्लाई करना है, तो मैं यहाँ से वो कर सकती हूँ। उसके अलावा मैं आपको एक जब मैं हेल्प पे क्लिक करा तो ये आएगा, क्रैश कोर्स टूल्स, कैच टूल्स, कुछ लेसन ट्यूटोरियल से फ्लोटिंग सिंक से रिलेटेड, स्विच से ना, स्लाइडिंग ऑब्जेक्ट से रिलेटेड, रेनबो से रिलेटेड है। तो फर्स्ट तो क्रैश कोर्स में अभी मैंने जैसे जो बता रही थी सिंपल, वो सब चीजें है, सारे जितने भी यहाँ पे ऑप्शंस दिए हुए हैं उनके बारे में, कि कैसे कोई भी चीज़ या वाटर किसी ऑब्जेक्ट को लिक्विफाई कैसे करेंगे, वो सारा है। इसके बाद फिर मैं बैक टू मेन्यू जाती हूँ, उसमें फिर जब उस पर क्लिक करती हूँ, बैक टू मेन्यू क्रैश कोर्स पे क्लिक करती हूँ, तो इसमें भी सारा वही दिया हुआ है, सारे टूल्स के बारे में। देन स्केच टूल, मैंने स्केच टूल का आपको बताया था कि एक ऐसा मास्टर टूल है जो और बहुत सारे टूल्स की का काम कर सकता है। तो इसमें कैसे स्केच टूल का यूज कर सकते हैं, वो सारा इसमें गिवन है। ये सारे ऑप्शन इसमें गिवन है, तो मैं आपको कुछ बता देती हूँ। अगर मैंने कोई ये बॉक्स ड्रॉ करा, अगर मेरे को इसको दो पार्ट्स में डिवाइड करना है, तो मेरे पास नाइफ है, मैं नाइफ से इसको कट करूंगी, फिर दो पार्ट्स में डिवाइड हो जाएगा। और सेम अगर मेरे को, अभी मैंने बॉक्स की हेल्प से, बॉक्स टूल की हेल्प से इसको ड्रॉ करा था, अब मेरे को अगर बॉक्स टूल यूज नहीं करना, स्केच टूल यूज करना है, तो अगर मैं इसको इसकी हेल्प से करूँगी तो इसको बस फोल्ड कर सकती हूँ। स्केच टूल से हम ये ड्रॉ कर सकते हैं। इसके अलावा अगर मेरे को सर्कल ड्रॉ करना, मिस चिंटी, हाँ जी, थोड़ा सा लाउड आप हो सकते हो, क्योंकि शायद आवाज बहुत है ना, स्लो आ रही है, मुझे आ रही है, पता नहीं ओके, ठीक सबको इश्यू हो रहा है नहीं हो रहा है। तो चैट में भी लिखा हुआ था कि आवाज थोड़ा सा नहीं ऑडिबल नहीं है, तो आप थोड़ा सा लाउड हो सकते हैं। ओके ओके, श्योर ओके ओके श्योर। तो स्केच टूल से मैं एक रफ सर्कल ड्रॉ करूंगी। तो यहाँ पे मैंने रफ सर्कल ड्रॉ करा, तो ये ऑटोमेटिकली ये कि परफेक्ट सर्कल में इसको कन्वर्ट कर देगी। तो
अगर मेरे को सिमुलेशन को अगर प्ले करना है, तो मैं अगर कैच टूल को अगर मैं नीचे की तरफ मूव करूँगी तो क्या सिमुलेशन प्ले हो जाएगा? सेम अगर इसी को मैं फिर से अगर करूँगी तो पॉज कर देगा सिमुलेशन को, और सेम मूव टूल का भी ऑप्शन वो करेगा, अगर मैं इसको डबल क्लिक करूंगी तो हम इसको मूव कर सकते हैं इधर से उधर। तो ये सब हम इसमें सिमुलेशन टूल में कर सकते हैं, जैसे कैट टूल में हम कर सकते हैं। उसके अलावा अगर मेरे को यहाँ पे अभी आप देख सकते हैं कि ये प्लेन को अगर चेंज करना है, यहाँ पे प्लेन का ऑप्शन भी, तो मैं आपको दिखाती थी जो मैंने कार्ड ड्रॉ करा था। जैसे ये मोशन से रिलेटेड ही मैंने एक सिमुलेशन बनाई थी। तो अभी ये स्ट्रेट लाइन में एक तरह से मूव कर रही है, मैं उसको प्लेन चेंज करना है, तो मैं यहाँ पे प्लेन टूल है तो जाऊँ, तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि बोली प्लेन चेंज हो गया है, तो तो वो पर मूव करना शुरू कर दिया। इसको मैं मैं थोड़ा सा नीचे की तरफ, क्या प्लीज मैम आप आपको म्यूट कर लीजिए। बात मैम आपसे रिक्वेस्ट है प्लीज, सर सुन प्लीज आप म्यूट कर रही दीजिए। है तो अगर मैं प्लेन का मेरे को एंगल थोड़ा रोटेट करना है, तो आप देख सकते हैं कि प्लेन भी है, मतलब यहाँ पे ड्रॉ कर सकते हैं। तो आपको यहाँ तक अगर किसी को कोई भी डाउट है, कोई भी क्वेरी है, प्लीज आप आस्क। इफ वी चेंज प्लेन इंक्लिनेशन 90 डिग्री, ओके सर मैं आपको दिखाती हूँ। तो फिर से माई सीन में जाऊंगी, मैं प्लेन ड्रॉ करूंगी। ये आगे मूव नहीं करेगा। तो इसके अलावा आपको कोई भी अगर एल्गोरिथम से रिलेटेड कोई भी सिंपल क्वेरी, कोई भी छोटी से छोटी क्वेरी आप मेरे से पूछ सकते हैं, इससे के टूल से रिलेटेड कुछ भी हो। और आप इसको जितना एक्सप्लोर करना स्टार्ट करोगे, आपको ये उतना ही इंटरेस्टिंग लगेगा, आप उतना ही इसको अच्छे से कर पाएंगे। तो मे बी आपको स्टार्टिंग में डिफिकल्टी लगे इसको करने में, थोड़ी प्रॉब्लम होगी, बट जैसे जैसे आप इस पे काम करना शुरू कर देंगे तो आपको ये काफी अच्छा इंटरेस्टिंग लगने लगेगा, एंड यू कैन क्रिएट अ वेरी गुड कॉन्सेप्ट ऑन असाइनमेंट टू द स्टूडेंट्स आल्सो, सो दे कैन क्रिएट अ सिंपल सिंपल सिमुलेशंस ऑन द यूजिंग दिस टूल, एंड दे विल आल्सो फाइंड इट वेरी इंटरेस्टिंग बिकॉज़ इट इज डिजाइन कि जैसे हम पेंट में कोई काम कोई चीज बना रहे हैं, सेम इन अ सेम वे हम यहाँ पे भी कर सकते हैं। तो थैंक यू, आपको अगर किसी को कुछ पूछना है तो आप पूछ सकते हैं।
मोशन ऑफ अ कार मैं आपको फिर से बता देती हूँ। इसके लिए मैंने एक बॉक्स ड्रॉ करा, देन दो सर्कल ड्रॉ करे मैंने सेम साइज के, मेरे को मोटर इनमें फिट करनी है, मैं एक्सेल सेलेक्ट करूंगी, देन मोटर सेलेक्ट करा दोनों फेसेस की, देन प्लेट डेकोरेशन। आई होप आप सभी को समझ आया होगा। आपने किसी को कुछ और पूछना था पूछ सकते हैं मुझसे। आई होप आपको एक इंटरेस्टिंग लगा हो तो, एंड आप अपनी टीचिंग में इसको यूज करेंगे सिमुलेशन क्रिएट करने के लिए। बदानी सर आपको अगर कुछ पूछ, हो गया तो आप डेटा वाला जो पॉइंट उसके अंदर है आप फीचर वो आप अपने आप एक बार देख लीजिएगा। तो जो क्विज आप कंडक्ट करेंगे उसका डेटा आप एक्सेस कर सकते हैं, उस डेटा के बेस पे आप बच्चों को इनपुट्स भी दे सकते हैं कि किसने क्या आंसर किया है। आई एम सॉरी, मैं मेन सेशन के अंदर कंप्लीट कर रही थी अपनी लास्ट लाइन। मैम हमारा मैथ्स का जो ब्रेकअप रूम में थे हम, वो थैंक यू एग्जिट हो सो गए हैं हम, मच। वहां पे कुछ एक्टिविटी चल रही थी होप मैम। आपने अपने अपने सब्जेक्ट्स के सेशंस काफी एंजॉय किए होंगे। यस और बीच बीच में ओके मैं आ सर, रहा था ब्रेकआउट रूम्स में देखने के लिए, और काफी अच्छा चल रहा था सबका सेशन, और सभी पार्टिसिपेंट्स काफी एक्टिव थे, क्वेश्चंस भी पूछ रहे थे। तो मैं अपने सारे रिसोर्स पर्सन का धन्यवाद करता हूँ इतने अच्छे सेशंस के लिए, और डिटेल्ड तरीके से आपने सारे टूल्स को बताया और सारे पार्टिसिपेंट्स को। सो थैंक यू सो मच। एक्सक्यूज मी सर, हम अपने नेक्स्ट सेशन के लिए मिलेंगे 15 मिनट एक्सक्यूज मी में एक छोटे से टी ब्रेक के बाद। सो ज्यादा डिले ना करते हुए एक छोटा सा टी ब्रेक ले लेते हैं, और 3:45 पे, शार्प 3:45 पे हम सेशन दोबारा ज्वाइन करेंगे। यश पॉल सर ऑलरेडी टी एंजॉय कर रहे हैं। हाँ देखिए आलोक जी, सीआईटी हो चाहे केरला हो, कॉफी 3:30 बजे ही पीनी चाहिए। वंडरफुल ठीक है। सो बहुत अच्छा लगा आप सबसे मिलके। सो प्रेजेंटेशन मेरे उनको मिल जाएगा, बाकी क्या दे ही देंगे, है ना। सो जो भी आपका क्वेरीज है वो आप फिर भी कुछ हो तो टीम के थ्रू आप लोग कर सकते हैं। बहुत अच्छा लगा। सो थैंक यू सो मच, फिर मिलते हैं सभी से। थैंक यू सर। थैंक यू जितने भी सभी टीचर्स को जो सोशल साइंसेस में थे या बाहर भी थे। जो एक क्वेश्चन आया था वो मैं आंसर मैम म्यूट हो गई हैं। जो एक क्वेश्चन था उसका आंसर मैं टीम के थ्रू आप तक भिजवा दूंगी। बाकी आप इन सारी एप्लीकेशंस को एक्सप्लोर करिए कि कैसे आप उसको क्लास में इंटीग्रेट अप कर सकते हैं अपने सब्जेक्ट के साथ। थैंक यू एवरीवन। थैंक यू मिस्टर आलोक। थैंक यू मैम, थैंक यू सो मच, एंड थैंक यू निधि मैम, थैंक यू थैंक यू निधि थैंक मैम, यू थैंक यू थैंक एवरीवन, यू, थैंक थैंक यू फॉर हैविंग अस यू हियर। जिंदी मैम, थैंक यू। और आप सभी के लिए अटेंडेंस लिंक पोस्ट कर दिया है चैट में, जो सभी डिमांड कर रहे थे। तो आप अटेंडेंस, मीनवाइल अपने अटेंडेंस भी मार्क कर लीजिएगा। सो सी यू आफ्टर 15 मिनट्स।